अपनापन चाहिए। अपनापन कब टिकता है? जब हम सोचते हैं कि जिस पर मैं प्रेम करता हूं उसने मेरे लिए क्या किया है, और हम गिनती बंद कर दे कि मैंने क्या किया है, तो हमें ध्यान में आएगा कि 99 चीज उसने दी है, एक चीज नहीं दी है। तब उसे सिर उठाकर बोलना, सो व्हाट, तुम्हारे प्राम प्रेम के सामने एक चीज क्या, 100 चीजें भी बहुत छोटी है, छोड़ दी। ओके, गॉट इट? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ओके, दोनों साथ में होने चाहिए, जीने की तमन्ना और मरने का इरादा। किसी के प्यार में मरना भी ताकत होती है, राइट? लेकिन पागल जैसे नहीं, दिमाग के साथ। प्यार की में सचमुच मरने के लिए दूसरा जन्म लेने की इच्छा होनी चाहिए, खुद को पूरा बदलने की, दूसरा जन्म यानी क्या, पूरा बदलने की ताकत होनी चाहिए। अगर एक इंसान के प्यार के लिए हम लोग इतना बदल सकते हैं, तो भगवान के प्यार के लिए क्यों नहीं बदल सकते? और यहाँ तो प्रॉब्लम भी नहीं कि बदलने के लिए जो भी ताकत चाहिए वो देने के लिए वो बैठा है। और ये विश्वास, ये पहला अपनापन, उसके बाद ये विश्वास, जो स्मृति चाहिए वो स्मृति देने की ताकत, जो विस्मृति चाहिए विस्मृति देने की ताकत किसमें है? भगवान के स्मृति में है, सिर्फ भगवान को याद करने में है। कैसे? लेकिन पूरी ताकत के साथ।